ये जो शब्द है कॉन्फिडेंस, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हमें बचपन से ही ये बताया गया है कि कॉन्फिडेंस में कोई बड़ी विशेष बात है। हिंदी में कॉन्फिडेंस को कहेंगे अभयता। पर हम देख नहीं पाए हैं कि भय और अभय, फियर और कॉन्फिडेंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। जो डरा हुआ है मात्र उसे ही कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है, अन्यथा कॉन्फिडेंस कि तुम मांग ही नहीं करोगे। मैं अभी तुमसे बोल रहा हूं, जब भय ही नहीं है तो अभय का सवाल ही नहीं पैदा होता, जब फियर ही नहीं है तो कॉन्फिडेंस चाहिए क्यों? पर तुमसे कहा गया है कि कॉन्फिडेंट रहो। दूसरे शब्दों में तुमसे यह कहा गया है कि डरे हुए रहो, क्योंकि जो डरा हुआ है वही कॉन्फिडेंट हो सकता है। जो डरा ही नहीं उसके लिए कॉन्फिडेंस कैसा? बिल्कुल डरे ना होने के लिए, डर के पार हो जाने के लिए एक दूसरा शब्द है, वो है निर्भयता। और निर्भयता और अभयता में जमीन आसमान का अंतर है। तुम अभयता की तलाश में हो, तुम निर्भय नहीं हो। निर्भय होने का अर्थ है कि भय का विचार ही नहीं। तो जो द्वैत है भय का और अभय का, हम उसके पार हो गए। हम वहां स्थित हैं जहां भय हमें छूता ही नहीं है। भूलना नहीं, भय जितना गहरा होगा कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा चाहिए होगा। स्थिति तुमको जितना डराएगी तुम उतना ही ज्यादा कहोगे कि किसी तरीके से कॉन्फिडेंस मिल जाए। और जो आदमी बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ता हो, पक्का है कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, अन्यथा वो इतना मोटा कवच पहनता क्यों कॉन्फिडेंस का? लेकिन तुम्हारी पूरी शिक्षा तो ये है कि जो लोग कॉन्फिडेंट दिखें उनको आदर्श बना लो। अभयता मत मांगो, सहजता मांगो। जो कॉन्फिडेंट दिखे उसमें नहीं कुछ विशेष है, विशेष उसमें है जो सहज है। कॉन्फिडेंस तो एक प्रकार का एग्रेशन है, हिंसा है, और सहजता में स्मूथनेस है, प्रेम है। कॉन्फिडेंस चिल्लाता है, सहजता शांत रहती है। सहज रहो, जो बात कहनी है कह दी, कॉन्फिडेंस क्या चाहिए? जो करना था कर रहे हैं, उसमें शोर कैसा? चेहरा निर्दोष है और शांत है, स्थिर है, आक्रामक नहीं रहे। आंखें झील जैसी हैं, बिल्कुल ठहरी हुई, उनमें पैनापन नहीं है जो एक कॉन्फिडेंट आदमी में होता है कि जैसे चीर के रख दें आंखें, ऐसी नहीं है आंखें। लेकिन समाज के न्यस्त स्वार्थ हैं तुमसे ये कहने में कि कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि यदि भय चला गया तो तुम समाज से भी नहीं डरोगे, तुम पूरी व्यवस्था से भी नहीं डरोगे, तुम परिवार से भी नहीं डरोगे। इसीलिए ये सारी संस्थाएं तुमसे कभी ये नहीं कहेंगी कि निर्भय हो जाओ, सहज हो जाओ, ये तुमसे कभी नहीं कहेंगी।
ये तुमसे कहेंगी डरते तो रहो पर साथ साथ कॉन्फिडेंट भी रहो। ये गहरी चाल है, तुम इस चाल के शिकार मत बन जाना। तुमसे कहा जा रहा है कि डरते तो रहो, क्योंकि अगर डरोगे नहीं तो फिर तुम हमारे शिकंजे से बाहर हो गए। डरते तो रहो, कभी हमारी बनाई वर्जनाएं मर्यादाएं तोड़ मत देना, हमसे डर के रहो। लेकिन कुछ मौकों पर उस डर को छुपाने के लिए तुम कॉन्फिडेंस का नकाब पहन लो। ये बड़ी फिजूल बात है और ये बड़ी हानिकारक बात है तुम्हारे लिए, इसके झांसे मत आ जाना। तुम तो उसको पाओ जो तुम्हारा स्वभाव है, और तुम्हारा स्वभाव है निर्भयता। कि भय कैसा, मैं तो जो हूं सो पूरा हूं, मुझसे क्या छिन सकता है, मैं क्यों गुलामी करूं, और क्या है जो मुझे पाना है कि न मिले इसकी आशंका उठे मुझे। न उम्मीदें हैं न आशंकाएं हैं, डर कैसा। यह है निर्भयता। समझ में आ रही है बात। निर्भयता और अभयता में कोई तुलना ही नहीं है, फियरलेसनेस और कॉन्फिडेंस में कोई तुलना ही नहीं है। फियरलेस बनो, कॉन्फिडेंट नहीं। ठीक है, अब तुमने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या अंतर है। जब कॉन्फिडेंस ही नकली शब्द है तो मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की क्या बोलूं। कुछ नहीं है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अगर तुम कहना ही चाहते हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ है, तो मैं कहूंगा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ही हुआ कि तुम अपने स्वभाव में स्थिर रहो, निर्भयता है वो। पर उसके लिए भी कॉन्फिडेंस शब्द का प्रयोग मत करना।